जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को लेकर हमारे पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली मून पर लैंड होने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और हम सभी चंद्रयान 3 की लेटेस्ट अपडेट पर काफ़ी गहरी नज़र बनाए हुए भी हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता न केवल हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इस सफलता से नए युग की शुरुआत भी हो जाएगी, जिससे कि हमारा भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा दोस्तों जिसका रोवर चंद्रयान 3 के अंधकार वाले क्षेत्र में लैंड करेगा एवं साथ ही उस अंधेरे वाले क्षेत्र में अलग अलग तरीके के प्रयोग भी कर सकेगा, जिससे कि हमें चंद्रमा की लूनर सरफेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हो जाएंगी और वो जानकारियां दोस्तों जो कि अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो अभी तक हमारे भारत के वैज्ञानिकों के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसने कि सबको हैरान करके रख दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 अपने टाइम लाइन के अनुसार करीब 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड होने वाला था, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट के रशिया के द्वारा दी गई कि रशिया करीबन 11 अगस्त तक अपना लूनर 25 को लॉन्च करेगा ताकि वह चंद्रमा की लूनर एक्सप्लोरेशन में अपने 50 सालों के बाद एक जोरदार वापसी कर सके। लेकिन दोस्तों हमें तो सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब चंद्रयान 3 के इतना दिन पहले लॉन्च होने के बाद भी लूनर 25 का चंद्रमा में लैंड करने की टाइमलाइन बिल्कुल हमारे चंद्रयान 3 की लैंड करने की टाइमलाइन से मैच खा रही है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यह हमारे चंद्रयान 3 के चंद्रमा में पहुंचने के एक या दो दिन पहले ही चंद्रमा की सतह पर लैंड न हो जाए। ऐसे में हमारा भारत दोस्तों रशिया को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला पहला देश बिल्कुल भी नहीं बनने दे सकता, और इसीलिए अब हमारे इसरो के वैज्ञानिक कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे देख रशिया समेत पूरी दुनिया हैरान हो सकती है, क्योंकि अब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग टाइमलाइन और स्पीड को काफी ज्यादा तेज करने वाले हैं, क्योंकि इस बात का खुलासा स्वयं इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ सर ने कहा है कि हमारा यह मिशन इतना ज्यादा एडवांस है कि अगर चंद्रयान 3 के सारे सेंसर और दो इंजन काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी हम इसे सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करा सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों रशिया द्वारा लूनर 25 का फास्ट लैंडिंग के दावों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।